बड़ी खबर यूपी के श्रावस्ती से आ रही है। 28 वर्षीय युवक की दबंगों ने की पिटाई, छिड़खानी का आरोप लगाकर की पिटाई। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। घटना स्थल का डीएम टीके शिबू, एसपी अरविंद मौर्य ने किया निरीक्षण। दबंगों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की कई टीमें। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के मचरिवा गांव की घटना। बड़ी और अहम खबर लाइव इंडिया टीवी पर आपको दिखा रही है श्रावस्ती से, जहां छेड़खानी का आरोप लगाकर 28 वर्षीय एक युवक की दबंगों ने पिटाई की और इतनी पिटाई की कि इलाज के दौरान युवक ने दम ही तोड़ दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। दबंगों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने कई टीमें गठित कर दी। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के मचरिवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता मिथिलेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश जी, 28 वर्षीय युवक का एक मामला सामने आया है जिसमें दबंगों ने पिटाई की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रश्मि जी, बताना चाहूंगा, ये 28 वर्षीय युवक जो है वो भिंगा कोतवाली इलाके का एक गांव का रहने वाला है। इस पर छेड़खानी का आरोप लगाकर दबंगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। जब ये घायल हुआ तो इसे आनंद फानंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। जी, घटनास्थल का जिला जी जी मिथिलेश जी, क्या जो आरोपी थे उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी के द्वारा कई टीमें गठित कर दी गई हैं और वो टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है। घटना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी टीके सिंह और एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने निरीक्षण भी किया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। जी जी मिथिलेश जी, मृतक के परिजनों से कोई बातचीत आपकी हुई है? उनकी तरफ से क्या शिकायत, क्या कोई मांग की गई है? जो उनके मृतक परिवार के लोग हैं उनका केवल एक ही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर परिजन डटे हुए हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी जी, आखिर ये कब का मामला है और कहां की ये घटना है? ये जिला मुख्यालय भिंगा कोतवाली थाना क्षेत्र के मछलीवा गाँव का यह पूरा मामला है। पिछले लगभग 12 घंटे पहले का एक पूरा मामला है। उसके बाद उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी मौत हो गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी श्रावस्ती से हमारे संवाददाता मिथिलेश पाठक, जो बता रहे थे कि 28 वर्षीय युवक की छेड़खानी का आरोप लगाते हुए दबंगों ने इतनी पिटाई की कि इलाज के दौरान उस युवक ने दम ही तोड़ दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एसपी ने कई टीमें गठित की हैं दबंगों की गिरफ्तारी के लिए। बड़ी खबर